हल्द्वानी में राजनीतिक दल द्वारा चलाए जा रहे कॉल सेंटर के खिलाफ कांग्रेस ने शिकायत की, जिस पर निर्वाचन आयोग ने नोटिस जारी किया। हल्द्वानी में राजनीतिक दल द्वारा बिना अनुमति के कॉल सेंटर चलाए जाने का मामला सामने आया है। कांग्रेस नेता द्वारा ऑब्जर्वर को की गई शिकायत के बाद सहायक रिटर्निंग अधिकारी ने मामले की जांच करते हुए संबंधित पार्टी को नोटिस जारी करते हुए 48 घंटे के भीतर पार्टी के पदाधिकारी को अपना पक्ष रखने के निर्देश दिए हैं। सहायक रिटर्निंग अधिकारी हल्द्वानी एपी वाजपेयी का कहना है कि ऑब्जर्वर के माध्यम से की गई शिकायत पर कार्रवाई करते हुए बताया गया है कि एक पार्टी विशेष का कॉल सेंटर चलाया जा रहा है, जिसको लेकर निर्वाचन विभाग की टीम ने जांच करते हुए नोटिस जारी किया है और 48 घंटे में जवाब मांगा है। हमें एक शिकायत प्राप्त हुई है और माननीय सामान्य प्रेक्षक महोदय के माध्यम से भी उसमें हमें शिकायत की कॉपी मिली थी। उसमें ये कहा गया है कि नैनीताल रोड पे एक पार्टी विशेष द्वारा एक कॉल सेंटर के रूप में संचालन किया जा रहा है और वहाँ से कॉल्स की जा रही हैं और वो आचार संहिता की परिधि में आता है, तो उसी के दृष्टिगत संबंधित पार्टी के पदाधिकारी को 48 घंटे के अंदर अपना प्रत्युत्तर प्रस्तुत करने के लिए नोटिस इश्यू किया गया है। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।